वर्ष 1974, वर्ष 1998 ये वही समय था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया। पोखरण एक प्राचीन विरासत का शहर है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में थार रेगिस्तान में स्थित है। इसके चारों ओर पांच बड़ी लवणीय चट्टानें हैं। पोखरण का आर्थिक अर्थ है पांच मृगमरीचिकाओं का स्थान। यह स्थान पहली बार तब सुर्खियों में आया था जब भारत ने यहाँ श्रृंखलाबद्ध परमाणु परीक्षण किया। 11 मई से 13 मई तक सफलतापूर्वक पांच परमाणु परीक्षण किए गए थे और 18 मई 1974 को पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया और इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में दहाक जम गई थी। भारत द्वारा किए गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी थी। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी कि MPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अमेरिका सहित भारत के सभी शत्रु देश भारत को इस परमाणु परीक्षण को ना करने देने के लिए पूरी तरह से एकजुट थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हर एक हरकत पर गहरी नजर रखे हुए थी और उसने अरबों रुपए खर्च करके पोखरण पर नजर रखने वाले 4 सैटेलाइट लगाए थे और कहा जाता है कि ये ऐसे सैटेलाइट थे कि ये जमीन पर खड़े हर भारतीय सैनिक की घड़ी में क्या समय चल रहा है यह भी देख सकते थे। लेकिन भारत ने CIA और इन सभी सैटेलाइट को मात दे दी। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भी इसमें कुछ पीछे नहीं था। पाकिस्तान बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों के पास परमाणु परीक्षण करता था और उसके मुकाबले भारत के पास पोखरण में छिपकर सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए साधन भी बहुत कम थे। और क्योंकि पोखरण एक रेगिस्तान में था इसी वजह से वहां पर सिर्फ झाड़ियां थी और झाड़ियां भी इतनी कम थी कि वहां पर कोई छुप भी नहीं सकता था। ऐसी ही चुनौतियों ने इस परमाणु परीक्षण को भारत के लिए एक चुनौती बना दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि जहां CIA की नजर हो और भारत के दुश्मन देशों की भी उन पर नजर हो तो ये परीक्षण किस प्रकार किए होंगे और इनमें कितनी सारी कठिनाइयों और चुनौतियों का भारत को सामना करना पड़ा होगा। और इस जगह को चुनने का मकसद सिर्फ यही था क्योंकि यहाँ से जो मानव बस्ती थी वो बहुत ही दूर थी और परमाणु परीक्षण के लिए जगह चाहिए जो कि बहुत खुली हो। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बालू के बड़े बड़े कुएं खोदे और इनमें परमाणु बम रखे गए और फिर कुओं को ढकने के लिए मशीनों का और बेलचा लेकर आदमियों ने इन कुओं को ढका। बालू के एक फीट नीचे ही मोटे मोटे तार बिछाए गए, इनमें आग लगाई गई जिससे बहुत जोर का धमाका हुआ और परमाणु का परीक्षण किया गया। धमाका इतना बड़ा था कि बालू की पूरी मिट्टी बहुत ऊपर तक उड़ी थी और काफी बड़ा इसमें गड्ढा बन गया था। और जैसे ही यह विस्फोट हुआ था एक वैज्ञानिक ने हवा में हाथ उठाते हुए यह कहा कि कैच अस इफ यू कैन, अर्थात अगर हमें पकड़ सकते हो तो हमें पकड़ो। यह एक संदेश था अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के लिए जो इस चुनौती को पूरा करते हुए बोला गया था। भारतीय सेना की 58 इंजीनियरिंग रेजिमेंट को इस काम के लिए चुना गया था। इस रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। इसके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था और यह मिशन इतना सीक्रेट था कि इसमें जो 18 महीने तक काम किया गया था गुप्त तरीके से, उनके घर वाले ना ही भारत इस बारे में कुछ जानता था कि यह सब कहां हो रहा है और करने वाला कौन है। राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम और उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष आर चिदम्बरम इस मिशन में शामिल दो बड़े वैज्ञानिक नाम थे और तकरीबन इस मिशन में कुल 80 वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO तथा परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित थे। इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिक एक दूसरे से कोड भाषा में बात करते थे और एक दूसरे को दूसरे नामों से बुलाते थे, यानी कि उनके खुद के नामों से उन्हें नहीं बुलाया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वैज्ञानिक के बहुत से झूठे नाम भी रखे गए थे और ये नाम इतने सारे हो चुके थे कि कभी कभी तो सारे वैज्ञानिक साथी एक दूसरे का नाम भी भूल जाते थे। सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया जाता था ताकि खुफिया एजेंसी CIA को यह अंदेशा ना लगे कि आर्मी के जवान ड्यूटी कर रहे हैं या कोई परीक्षण कर रहे हैं। इस परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने भरपूर प्रसन्नता जताई लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसराइल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत के इस परीक्षण का समर्थन किया था। इसके परीक्षण के बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सहित लगभग सभी विकसित देशों ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे और यह होना लाजमी था क्योंकि कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि वह देश उससे आगे निकले। तो
तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल बटन भी दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।